हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू PIB 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द PIB न्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड ऑन वेरियस लेवल्स ऑफ ब्लैक कार्बन इन हिमालयस, ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन नियर द गंगोत्री ग्लेशियर रोज 400 टाइम्स इन समर। वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सेम एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट रीजन। राइट, सो गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी जो फॉरेस्ट फायर है और जो स्टबल बर्निंग है, फॉरेस्ट फायर और स्टबल बर्निंग को रीजन माना गया है ऑफ ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन नियर द गंगोत्री ग्लेशियर जो कि 400 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड इसके इससे होगा क्या कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसके अलावा जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ब्लैक कार्बन गाइज होता क्या है, ब्लैक कार्बन रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास। जब फॉसिल फ्यूल्स या फिर बायोमास की इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है एंड ब्लैक कार्बन कैन अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी एंड वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड इट इज सेड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज आफ्टर CO2, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सालों तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है लेकिन जो ब्लैक कार्बन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी हमारे एनवायरनमेंट से निकल जाता है, खत्म हो जाता है। और जो इंडिया है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ऑफ द ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो फॉरेस्ट फायर्स है और जो स्टबल बर्निंग है वो हमारा रीजन है ऑफ द ब्लैक कार्बन कंसेंट्रेशन नियर द गंगोत्री ग्लेशियर जो कि 400 टाइम्स बढ़ गया है समर में। ऑलराइट, सो गाइस, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फॉरेस्ट फायर्स एंड स्टबल बर्निंग। सो देयरफॉर ऑप्शन ए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर कंडक्ट्स एग्रीकल्चर सेंसस एवरी 5 years टू कलेक्ट डेटा ऑन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्लूडिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स इन द कंट्री। एज पर द सेंसस ऑफ 2015-16 जो एवरेज साइज है ऑपरेशनल होल्डिंग्स का वो 1970-71 में जो कि 2.28 हेक्टेयर्स था वो कम हो गया है टू डैश इन 2015-16। राइट, जो हमारे देश की जो एवरेज साइज है ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 1977 में कितनी थी, ये 2.28 हेक्टेयर्स थी जो कि अब डैश कम हो गई है इन 2015 एंड 16। सो गाइज, ये जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो ये हेल्प कराता है सारे देशों को टू कंडक्ट द एग्रीकल्चरल सेंसस इन देयर कंट्री। ऑलराइट, सो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम में। रोम इज इन इटली एंड इट इज हेडेड बाय क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन रोम यू विल ऑल्सो फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ दिस सेंसस प्रोवाइड्स डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नंबर एंड एरिया, लैंड यूज, इरिगेशन, टीनेंसी एंड क्रोपिंग पैटर्न। और जो इंडिया के अंदर पहला इस तरीके का एग्रीकल्चरल सेंसस था वो कंडक्ट कराया गया था इन द ईयर 1970-71, लेकिन जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो 1950 से वेरियस कंट्रीज में ये वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम के थ्रू एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट कराता आया, लेकिन इंडिया में सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था इन द ईयर 1970-71। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2015-16 जो हमारा एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल होल्डिंग है वो कम हो गया है। ओके, सो इन द 1970-71 इट वॉज 2.28 हेक्टेयर्स, 80-81 में ये 1.84 हेक्टेयर्स हो गया, 95-96 में इट वॉज 1.41 हेक्टेयर्स एंड इन 2015-16 इट हैज बीन डिक्रीज टू 1.08 हेक्टेयर्स। ऑलराइट, 2015-16 में ये कितना हो गया, घटके 1.08 हेक्टेयर्स हो गया है। अब इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है वो कम हो गई है, तो जो हमारी छोटी होल्डिंग्स है यानी कि जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं फार्मर्स के पास, उन स्मॉल होल्डिंग्स को भी हमें प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारा किसान है, हमारे जो किसान है उनको नुकसान ना हो और हमारे देश में जो फूड ग्रेन्स है उनकी कमी ना हो। सो इन ऑर्डर टू मेक स्मॉल होल्डिंग्स मोर प्रोडक्टिव गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसके अलावा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज कंडक्टिंग रिसर्च प्रोग्राम्स टू डेवलप लोकेशन स्पेसिफिक वेराइटीज एंड टेक्नोलॉजी।
ओके ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही है, और इसके अलावा जो फार्मर्स हैं उनको भी वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। लाइक आपने इन सबके बारे में सुना होगा, जैसे कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि जो हमारी स्मॉल होल्डिंग्स हैं उनको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। नाउ गाइस एग्जाम में अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो हमारा स्मॉल होल्डिंग्स है, जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है वो कम हो रही है, तो क्या उसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट है ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो गाइज अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एक्सेप्ट इन द ईयर्स ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो कभी भी कम नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती है। मतलब कि कोई साल ऐसा बीता है जिस साल जो हमारा वेदर कंडीशन था इंडिया को काफी खराब था, उस साल भले ही प्रोडक्शन और क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम रही हो लेकिन ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसमें कभी कोई कमी नहीं आई है, इनफैक्ट इट इज इंक्रीजिंग। एंड इसके अलावा जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ऑल इंडिया का वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस टू सजेस्ट दैट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज रिजल्टेड इन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और यील्ड। ओके सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स कम हो रही है उसका हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे या फिर एग्रीकल्चरल की यील्ड पे या प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। सो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर आ सकता है एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड दैट एज पर द एग्रीकल्चरल सेंसस ऑफ 2015-16 द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैज डिक्रीज फ्रॉम 2.28 हेक्टेयर इन 1970-71 टू डैश इन 2015-16। सो इट इज 1.08 hectares in 2015-16. So therefore, option C is the correct answer. Now, guys, question number 3. Consider the statements with respect to Major Port Authorities Bill 2020, which was introduced in the Lok Sabha in the month of March 2020, and identify the incorrect information. Okay, जो हमें Major Port Authorities Bill के बारे में incorrect information को identify करके अपना answer mark करना है। Alright, so let us first discuss in detail about the scheme. So, ये जो बिल है हमारा, इस बिल ने जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था 1963 का, ओके मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 में नंबर ऑफ सेक्शंस थे 134, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है 76, जितने भी ओवरलैपिंग और ऑब्सोल्यूट सेक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया है इस बिल ने। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी है अब उसके अंदर 11 से 13 मेंबर्स होंगे, जो कि अभी कितने प्रेजेंट है, प्रेजेंटली उसमें 17 से 19 मेंबर्स होते हैं लेकिन अब इस नंबर को कम करके 11 से 13 कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा जो टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स है यानी कि टैम्प, उसके रोल को रीडिफाइन करते हुए उनको टैरिफ फिक्स करने की पावर दे दी गई है। ओके नाउ इसके अलावा एक एडजुडिकेटरी बॉडी बोर्ड बनाया जाएगा ताकि जो टैम्प है, ठीक है, टैम्प के जो रेजिडुअल फंक्शंस है वो उसको कैरी आउट कर सके। मैं रिपीट कर देता हूं, एक एडजुडिकेटरी बॉडी बोर्ड बनाई जाएगी जो कि टैंप के रेजिडुअल फंक्शंस को कैरी आउट करेगा। इसके अलावा द बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स प्लानिंग फिक्सिंग ऑफ टैरिफ एक्सेप्ट इन नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ इनएक्शन एंड डिफॉल्ट। लेकिन इससे पहले अंडर एमपीटी एक्ट ऑफ 1963 सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था इन 22 केसेस। ओके and the board of each major port shall be entitled to create specific master plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits. And इसके अलावा जो हमारी port authority है उनके लिए CSR की जो provisions हैं और development of infrastructure की जो provisions हैं उनको भी introduce किया गया है। And major ports के जो employees हैं उनके pays and allowance और service conditions और जो pensionary benefits हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजंस भी लाए गए हैं इन दिस बिल। सो दिस वाज इन डिटेल अबाउट द बिल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल 2020। सो ऑप्शन नंबर वन इज इट विल रिप्लेस द मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1973। नो इट इज इनकरेक्ट। एंड वैसे भी जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है वो 1963 का है, 1973 का नहीं है। And the bill seeks to provide for regulation, operation and planning of 14 major ports in India. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है guys, कोई 14 major ports का नाम इस बिल में नहीं लिया गया है।
इसके अलावा द नंबर ऑफ सेक्शन इन द बिल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 76 फ्रॉम 134. यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी विल बी रिड्यूस टू 11 टू 13 मेंबर्स फ्रॉम 17 टू 19 मेंबर्स. यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अभी जो करंटली उनके अंदर मेंबर्स का नंबर है दैट इज 17 टू 19, जो कि अब कम होकर कितना कर दिया जाएगा 11 टू 13. इसके अलावा जो टैम्प है यानी कि टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स हैज नॉट गिवन द पावर्स टू फिक्स टैरिफ. नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनको अब जो टैरिफ है उसकी फिक्स करने की पावर दे दी गई है, और इसके अलावा और भी कई पावर्स टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स के हाथ में दे दी गई है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी 1, 2 and 5, बिकॉज स्टेटमेंट्स 1, 2 and 5 आर इनकरेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज ऑफ कैंसर केसेज रिपोर्टेड इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 3 years हैज बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम 766,000 टू 838,000. टू टैकल दिस प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस स्टेप टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइंड दैट कैंसर इज नॉट कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स. जो कैंसर है वो इन स्कीम्स में से किस में कवर नहीं किया जाता. सो गाइस जो हमारा कैंसर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारे देश में, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कुछ स्टेप उठा रही है. जैसे कि जो हेल्थ है वो हमारा क्या होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, राइट? हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक की जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन. और इसमें जो तीन टाइप के कैंसर को फोकस कैंसर तीन टाइप के कैंसर पे फोकस रखा जा रहा है, और वो तीन टाइप के कैंसर कौन से हैं, एक है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्विकल एंड तीसरा ओरल कैंसर. और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, एंड इन द वर्ल्ड द मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर इज द लंग कैंसर. राइट, इसके अलावा अंडर एनएचएम सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स और यूटीज टू प्रोवाइड फ्री एसेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर नीड्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शरी केयर फॉर कैंसर स्कीम अंडर विच सेटिंग अप ऑफ 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड 20 टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स हैव बीन अप्रूव्ड. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं. और इसके अलावा कैंसर को कई स्कीम्स के अंदर भी कवर किया गया है, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर विच 5 lakh rupees पर फैमिली इज प्रोवाइडेड टू द पुअर एंड डिप्राइव्ड एज पर द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस फॉर देयर सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट. एंड नेक्स्ट इज अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट दैट इज अमृत स्कीम. और अमृत स्कीम के अंदर क्या होता है कि अमृत मेडिसिन आउटलेट्स खोले जाते हैं ताकि जो भी हमारी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर यूज होने वाली जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड कराई जा सके टू द पेशेंट्स. एंड इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य निधि एक और स्कीम है. सो कैन यू टेल मी अबाउट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय आरोग्य निधि. ये हमने पढ़ा भी था, और इनफैक्ट हम इन तीनों स्कीम के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं. सो राइट डाउन इन कमेंट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राष्ट्रीय आरोग्य निधि. सो गाइस कैंसर इज कवर्ड अंडर दी स्कीम आयुष्मान भारत PMJAY अमृत एंड राष्ट्रीय आरोग्य निधि. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कैंसर इज नॉट कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम. सो ऑप्शन ए इज आयुष्मान भारत, इसमें कवर है, अमृत में भी कवर है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि में भी कवर है. ऑल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, नो दिस इज इनकरेक्ट. सारे गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में कैंसर कवर नहीं है. सो देयरफॉर गाइस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन डी. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेडेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड द नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर विच इन शॉर्ट इज कॉन्टैक्ट टू टेक द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द कंट्री इन द वेक ऑफ COVID-19. विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू द सेंटर. इस सेंटर में कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस. राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो ये जो कॉन्टैक्ट है ये बेसिकली एक टेली कंसल्टेशन सेंटर है जिसको लॉन्च किया गया है टू टेक द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द कंट्री, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज इन न्यू दिल्ली. और जो इसका मेथोडोलॉजी है उसमें यह है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं फ्रॉम वेरियस क्लिनिकल डोमेन्स विल बी अवेलेबल 24/7 टू आंसर द वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री.
और ये एक मल्टी मॉडल टेलीकम्युनिकेशन हब होगा थ्रू विच टू वे ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट कम्युनिकेशन कैन बी अंडरटेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से कहीं से या पूरे देश में से हमारे कहीं से भी इसमें ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो सिंपल मोबाइल टेलीफोनी भी हो सकता है और साथ में टू वे वीडियो कम्युनिकेशन भी हो सकता है यूजिंग व्हाट्सएप, स्काइप एंड गूगल डुओ। सो इस तरीके से जो हमारा COVID-19 का ट्रीटमेंट है वो पूरी दुनिया में और पूरे देश के लिए अवेलेबल होगा। एंड रिमेंबर गाइज, जो कॉन्टैक्ट है उसका फुल फॉर्म है COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। ओके, कॉन्टैक्ट का फुल फॉर्म है COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। नाउ अगर आप कोई इंसान या कोई व्यक्ति इस कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक सिंगल मोबाइल नंबर है 9115444155। ये कहीं से भी डायल किया जा सकता है फ्रॉम एनी वेयर इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड बाय COVID-19 ट्रीटिंग डॉक्टर्स टू रीच द कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर 6 लाइन्स होंगी दैट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली एट प्रेजेंट। और ये 6 लाइन से ज्यादा थोड़े दिनों में बढ़ा दी जाएगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है इन द PIB रिलीज। ऑलराइट, सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू द सेंटर। सो ऑप्शन ए इज एक्सपर्ट डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल 24/7 टू आंसर द मल्टी फेसेटेड क्वेश्चन। येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विल इंक्लूड सिंपल मोबाइल टेलीफोनी। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिंपल मोबाइल टेलीफोनी के अलावा जो ऑडियो वीडियो है वो भी किया जा सकता है इसमें। स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री आर अवेलेबल। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टू वे कम्युनिकेशन कैन बी अंडरटेकन फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द वर्ल्ड। येस, अगेन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फाइनली ऑप्शन ई इज मेडिकल फैसिलिटी और मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू द नीडी। नो, दिस इज इनकरेक्ट गाइज, मेडिसिन इसमें नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ई। सो गाइज, आई होप आपको जो कॉन्टैक्ट है उसके बारे में चीजें क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन गाइज, आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग PIB 24/7।